मैंने ये जो है ना आइडिया लिया है यूट्यूब से, इटली में एक रेस्टोरेंट है उसे देख के ना, तो मेरे ख्याल आया कि ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान में होनी चाहिए। अभी बकरीद भी हमने ये ओपन किया है। मुल्तान में इस नौयत का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। लोग पानी को एंजॉय करने के लिए ना चनाब पुल पे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मद्देनजर रख के ये मैंने बनाया। इसकी जो है ना अच्छा ज़रूरत थी। आर्किटेक्टर जो है ना वो पाकिस्तान का है, और जो है ना बाकी जो है ना इंजीनियर दो बाहर से मंगवाए हैं, एक सऊदीया से एक दुबई से। उन्होंने इसको चेक किया है क्या चीज़ पानी की कैसे इसे करना है, रिसाइकल इसे कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे रखना है, और इसको लीकेज वगैरह वो प्रॉपर उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। सिर्फ मुल्तान के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बार बार से आ रहे हैं, कबीरवाला, लैया, भावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। असल में मुल्तान में जो गर्मी है ना, लोग गर्मी की वजह से ये माहौल बनाते हैं कि हम जाएँ कहीं नहाएँ नहुएँ, तो हमने जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को पानी के अंदर बिठा के खाना खिला दिया है। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और हमारे जो है ना फूड जो है ना वो मियारी हैं, और हमारे पास जो है ना अरेबिक, तुर्किश, चाइनीज़ और देसी पाकिस्तानी फूड है। मैं तो पुरयकीन था, लेकिन लोगों ने डराया डुरा ये होगा वो होगा, लेकिन मैं पुरयकीन था। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे तवक्को थी वैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। पानी को क्लियर करने के लिए एक तो हमने टीम रखी हुई है प्रॉपर, और दूसरा जो है ना इसके अंदर हम केमिकल्स वगैरह डालते हैं प्रॉपर डेली बेसिस पे, और ये पानी साफ़ रहता है। और मेन जो इसके ऊपर हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं, जो इस पानी को रिसाइकल कर दोबारा इसमें डालते हैं। सिटी से दूर इसलिए रखा है, ये वैसे भी माहौल यहाँ ठंडा रहता है, पानी की वजह से टेम्परेचर मज़ीद कम हो जाता है, और पंखे जो है ना ठंडी हवा देते हैं। एक दोस्त की मुझे कॉल आई थी, उसने कहा कि मेरी बेगम ने कहा है कि मुझे इस रेस्टोरेंट पे ले के चलो। वो काफ़ी दिन से नाराज़ थी, तो मैं यहाँ ले आया हूँ, वो खुश भी हुई है और मुझसे राज़ी भी हो गई है। अगर आप किसी की रूठी बेगम जो है ना अगर मनानी हो ना, तो आप आएँ दिलशाद होसेस पे, तो इंशाल्लाह आपकी वो बेगम जो है ना वो आपसे राज़ी हो जाएगी। यहाँ आकर ये माहौल जो है ना, इसमें ज़हनी सुकून मिलता है। इतना प्यारा माहौल है यहाँ, खूबसूरती, पानी में बैठ कर खाना खाना, ये मुल्तान ज़िले में यहाँ कोई किसी जगह पे हमने नहीं देखा माहौल। और रेट भी यहाँ के सही है, बिल्कुल रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ। मुल्तान में ये पहला होटल देखा है जो वाटर व्यू के साथ है, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। ये दूसरी तीसरी मरतबा इधर आ रहे हैं हम, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ भी आए हैं, तो मेरे ख्याल में सर ऐसा होटल नहीं है।